नमस्कार, आज हम बात करते हैं नई रिवर्स चार्ज की एंट्री जो कि 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगी। अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर दी जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या होगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। पहले क्या होता था, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस है, अगर इसका यूज रेजिडेंस है, तो किसी को भी दो, भले वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड, वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट होता था बाय वे ऑफ द सीरियल नंबर 12 अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12 बाय 2017। अब क्या होगा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेंट पर दी है, मान लो मिस्टर ए की एक प्रॉपर्टी है, उसने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी, पर्पज क्या है उसका, use of the residence by the director or the employee of ICICI bank. In that case, now ICICI will pay the tax under reverse charge. Question ye aata hai ki kya us tax ka ITC milega? We all know ki ITC lene ke liye hume section 16, 17 and 18 ki sabhi condition ko dekhna, ek saath dekhna hoga. Lekin agar 17 subsection 5 mein koi credit block hai, like personal expenditure, then you cannot take the ITC. So probably ये employees का जो employee related expenditure है, and ये problem होगी कि मैं उसको in the course or furtherance of the business के साथ में normally link नहीं कर पाऊँ, तो मुझे उसका ITC नहीं मिलेगा। Point number one. Point number two, मान लो Mr. A एक GST में registered person है, अगर वो residential property residence के लिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो क्या होगा? In my humble opinion that it will be covered in the exemption notification and therefore there is no requirement to charge the GST क्योंकि ये supply exempt बन जाएगी। I hope it is clear. अगर कोई doubt है तो please हमें बताएं। Thank you very much.